क्वेश्चन दिया है हमें, टू पॉजिटिव आयन्स इच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम इच आयन विल बी। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि दो आपको पॉजिटिव आयन दे रखे हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव आयन्स के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमको डी दिया हुआ है, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अपने को दे रखा है इन्होंने कैपिटल एफ। अब देखिए क्वेश्चन में पहली चीज़ तो ये कि हमको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव आयन्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो हमारे पास में पॉजिटिव आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन्स का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास मान लीजिए एक एटम है या फिर मान लीजिए मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास में होते हैं उनमें से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए या फिर उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाए, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे या फिर कहीं से लाके इलेक्ट्रॉन हम एटम या मॉलिक्यूल के अंदर डाल देंगे, तो वो सिचुएशन होती है कि वो एटम या वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास में जब हम किसी एटम या मॉलिक्यूल में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर वो एटम या वो मॉलिक्यूल जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एटम या मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रॉन देंगे या बाहर से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो जो होगा वो नेगेटिव हमारे पास में आयन बन जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में अपने को कंडीशन दे रखी है वो इन्होंने दे रखी है हमारे को पॉजिटिव आयन की। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होगा कि जो भी हमने एटम या मॉलिक्यूल माना है यहाँ पे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल चुके हैं, राइट, और कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस है वही चीज अपने को यहाँ पे निकालनी है। अब यहाँ पे एक चीज और इन्होंने बता रखी है कि दोनों जो पॉजिटिव आयन है इन पे जो चार्ज है वो है हमारे पास में क्यू, मतलब दोनों पे जो चार्जेस है वो क्या है हमारे पास में सेम है। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे कि हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन का, जहां पे Q का मतलब होता है चार्ज, N का मतलब होता है यहां पे हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और E का मतलब होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास में इनके मीनिंग होते हैं। तो यहां पर अपने को क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। क्यू इन्होंने अपने को चार्ज पता रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दोनों जो हमारे पास में आयन्स है उनको क्यू चार्ज दे रखा है, बस अब अपने को ये ध्यान लगाना है कि हमारे पास में जो आंसर दे रखे हैं इन्होंने वो क्यू के टर्म्स में नहीं दे रखे हैं, वो इन्होंने 1/4 एफ ओ डी इस फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो अपन क्या करेंगे कि जो क्यू की वैल्यू है इस क्यू की वैल्यू को हम इस दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है कि दो पॉजिटिव आयन्स है हमारे पास में, अब दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अपने को F लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1/4 Q1 Q2 r स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ होता है। तो Q1 की जगह पे हमारे पास में जो चार्ज यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने Q, पहला वाला जो है वो भी Q है और जो दूसरा वाला है Q2 की जगह पे वो भी हमारे पास में क्या है Q है, ठीक है, तो दोनों जगह Q Q आ जाएगा, अपोन में r स्क्वायर आता है तो r की जगह पे यहाँ पे अपने को d दे रखा है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे d कर देंगे तो d का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू q और q का मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा अपोन में d स्क्वायर। यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये जो q स्क्वायर दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए q स्क्वायर को अकेला करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में f इंटू 4/0 d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर अगर यहाँ से हटाते हैं तो ये सामने वाली जो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में आ जाएगी, दैट मीन्स ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4/0 डी स्क्वायर, ये हमारे पास में Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि यहाँ पे क्वांटाइजेशन का ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो Q की जगह पे ये वाली वैल्यू हम लोग लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 4/0 डी स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ में एफ भी मल्टीप्लीकेशन में, मैं एफ लिखना भूल गया, यहाँ पे एफ भी है तो यहाँ पे ये एफ हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ये हो गया एफ। अब इसके बाद इक्वल टू में क्या करेंगे एन इंटू ई, अपने को एन की वैल्यू निकालनी है तो ई को क्या करेंगे हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में एन इज इक्वल टू अंडर रूट 4/0 डी स्क्वायर एफ, राइट, इसके पूरे के पूर्ण में क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ई है ये रूट के बाहर है और ऊपर वाला जो पूरा टर्म है ये वाला ये हमारे पास में क्या है रूट के अंदर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस पूरे को रूट के अंदर लिखने के लिए क्या करेंगे एन इज इक्वल्स टू, जब भी किसी
जिस नंबर पे रूट नहीं है उसको अगर आप रूट के अंदर लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4πε0d²f/, ये जो e रूट के बाहर था इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट के अंदर लिख रहे हैं। तो रूट के अंदर जब लिखेंगे इसको तो इसका क्या करना पड़ेगा, अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा e स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर लिखने पर अगर आप उस पर स्क्वायर लगा देते हो तो वो स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली हमारे पास में मतलब वही रहेगा, यानी कि जो e था उसको आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट e स्क्वायर। तो ये या फिर e, एक ही बात होती है। ठीक है, अपन ने आंसर मिलाने के लिए क्या करा, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो अगर आप इसको हमारे ऑप्शन से मैच करो तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है, 4πε0d²f/e², ये हमारे थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके,